नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफ़ा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां पहली खबर है सीधा फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि खैरखंड क्षेत्र कुबेरबेर में एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मायका पक्ष ने मारने का आरोप लगाया है। बताया चले थाना खैरखंड क्षेत्र कुबेरपुर निवासी बबली पत्नी हेमंत ने अपने घर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच की जा रही है। कुबेरपुर थाना खैरगढ़ में बबली वाइफ ऑफ हेमंत, जिसकी शादी को 2 वर्ष हुए थे, उसने आज गले में चुनरी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके पंचायतनामा भरकर आगे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी बहन को इन्होंने कल मारा पीटा, दर्ज कराने नहीं आने दिया हमें, और नाम गौरव, यहाँ पे कुबेरपुर में रहने वाले हैं। तो गौरव फोन है, बहनों ही हमारी, इन्होंने हमें फोन लगा के गालियां दी। कुबेरपुर था। खबर फरुखाबाद से है, जहां कैदियों ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। ये मामला तब हुआ जब साथी कैदी की मौत की खबर आई। फरुखाबाद जिला जेल में कैदियों के उपद्रव और आगजनी की घटना ने प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल दी है। अभी फरुखाबाद जेल के अंदर दिन में 12 बजे ही पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया था, और जो ये घटनाक्रम है उसके ऊपर मैं पुनः से आपको बताना चाहता हूँ कि जो संदीप यादव करके यहाँ पर जो सिद्ध दोषी अभियुक्त, जो कि 2016 में जिसको आजीवन कारावास मिला था दहेज मृत्यु के संबंध में, उसकी डेंगू से जो डेंगू पीड़ित था, और 5 तारीख को उसको सेफे रवाना किया गया, 6 तारीख को वहाँ पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर यहाँ पर जो जिला जेल के अंदर जो कैदी थे, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आज सुबह करीब 8 बजे यहाँ पर उपद्रव करना स्टार्ट किया। खबर कानपुर से है, जहाँ सांसद साध्वी निरंजन ने कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें साध्वी निरंजन ने कलश यात्रा निकाली। कानपुर देहात के मूसा नगर स्थित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में 7 दिवसीय सद चंडी महायज्ञ श्रीमद भागवत कथा की शुरुआत हुई। कथा के पहले दिन ही आज केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मूसा नगर कस्बे में कलश यात्रा निकाली। खबर प्रयागराज की है, जहां पर चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर कई लाख का सामान चुरा लिया। हंडिया कोतवाली में नए कोतवाल के आने के बाद चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी जेवर समेत लाखों का माल उड़ाकर नए कोतवाल को सलामी दी है। मिली जानकारी के अनुसार हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगुआ सोधा गाँव में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी जेवर चुरा लिए। खबर गाजियाबाद की है, जहां दरोगों को दबंगई करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक दरोगा को शराब शबाब और कबाब का शौक भारी पड़ गया। नशे के खुमार में डूबे दरोगों ने काम के लिए बुलाए एक युवक के साथ मारपिटाई कर दी, जिसके बाद उस युवक ने जिस थाने में दरोगा तैनात है उसके खिलाफ कानून की किताब में शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद से अब उसकी जाँच चल रही है। थाना मसूरी पर तैनात सब इंस्पेक्टर जितेंद्र गौतम के द्वारा दीपावली की रात को कुछ लोगों के साथ एक फ्लैट पर पार्टी की गई, जिसमें कि एक व्यक्ति से उसकी मारपीट हुई और जितेंद्र गौतम द्वारा उसको काफ़ी मारा गया, जिसके उपरांत उस व्यक्ति की तरफ से जितेंद्र गौतम के विरुद्ध एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जितेंद्र गौतम को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया। इसके अलावा सस्पेंशन की प्रक्रिया की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी जितेंद्र गौतम के विरुद्ध प्रचलित की गई। थाना मसूरी पर तैनात। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे तो पूरे देश में डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान डेंगू के प्रकोप को लेकर धरने पर बैठ गए। शहीदों की प्रतिमाओं के नीचे जिला अध्यक्ष सहित तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं धरना दे रहे हैं। शहर में डेंगू का लोगों की मौत हो रही है डेंगू से। इस वजह से अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और निगम लापरवाही बना रहा है, इस वजह से वो धरने पर बैठे हैं। जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री
यहाँ पर आ रहे हैं जनपद शाहजहाँपुर। कल 9 नवंबर को जो उनका दौरा शाहजहाँपुर है, वो दौरा तो चुनावी दौरा यहाँ पर करने आ रहे हैं, लेकिन हमारे किसान भाई और हमारे शाहजहाँपुर की आवाम का अभी तक उन्होंने कोई भला नहीं किया। खबर प्रयागराज के फूलपुर से है, जहां पर डायरिया से कई लोगों की मौत हो गई है। डायरिया इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोगों में दहशत का माहौल है। फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव दीवानगंज में डायरिया के प्रकोप से एक मासूम की मौत हुई। फूलपुर के कई गांवों में फैला डायरिया दर्जनों से अधिक भर्ती है लोग अस्पताल में, जिनमें खौफ देखा जा रहा है। दीपावली पर उल्लू से लेकर कछुए तक को शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि दिवाली पर उल्लू से लेकर कछुए को शुभ माना जाता है। दिवाली पर उल्लू से आज भी पुलिस वन विभाग से बचकर इनकी खरीदारी की जाती है। ऐसा ही दुर्लभ प्रजाति का चित्तीधार कछुआ, जिसके 20 नाखून है, वह झिझक ब्लॉक के अनंतपुर धोकाल गाँव में वन विभाग की टीम ने एक महिला के घर से बरामद किया है। खबर झांसी की है, जहां पर कार की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से कई लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, झांसी के मऊरानीपुर में सोमवार की सुबह कार और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार के परखचे उड़ गए और कार में सवार लगभग 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारकर भाग रही बस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर गोंडा की है, जहां पर सड़क हादसे में 10 लोग घायल हो गए। 10 घायल इतने ज्यादा हो गए कि उनको जिला अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया है। फैजाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें घटनास्थल पर 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। खबर गोंडा की है, जहां पर बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बस में बैठी 12 सवारियों को बुरी तरह चोट लग गई। आपको बता दें कि जिनको सवारियों को चोट लगी, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस इसकी जांच में भी जुट गई है। खबर मथुरा से है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आए दिनों मथुरा में बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। आपको बता दें, गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांडा चौथैया गांव में इस समय हड़कंप मच गया, जब एक 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर घटना की जाँच भी शुरू कर दी है। चौधरी और हम बहन भी आई हैं गोवर्धन के पास, माड़ा चोरा गांव में, वहां पर गए थे बहन के घर। एक दिन पहले भी बहन के देवर ने बहन पर हाथ उठा दिया था, तो इसी बारे में एक बार बात करने गए थे नॉर्मल से मिलने। खाट पर बैठ कर दुकान में बात कर रहे थे, जो बहन के जो हमारे जीजा हैं वो भी थे साथ में, तो बात कर रहे थे दोनों भैया वो आपस में। वो फिर हमारे JP चौधरी पूछने लगे, भाई क्यों मार रहा हमारी बहन को, तेने क्यों मारा JP चौधरी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।